आत्म सुझाव से याददाश्त फिर वापस आ गई, यह केस स्टडी मैं आपके सामने मौजूद कर रहा हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूं। मेरे काफ़ी सारे वीडियोस अलग अलग विषयों पे हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम होगा, यदि वो प्रॉब्लम आप यूट्यूब पे डालते हैं वो विषय और मेरा नाम डालते हैं तो आपको वीडियो मिल जाएगा। कोई भी विषय आपको मानसिक बीमारी का हो या साइकोलॉजी का हो या मोटिवेशन इंस्पिरेशन, जो भी वीडियो आपके होंगे, NLP का होगा तो आपको वो मिल जाएंगे वीडियोस। सेक्स के बारे में वीडियोस है। आज मैं बात करने वाला, एक 60 साल की महिला मेरे पास में आई और वो बोल रही कि मेरी याददाश्त जो है आजकल बहुत कमजोर हुई है। तो पहला ही मुझे डाउट आ गया कि भाई अभी ये उसको अल्जाइमर्स डिमेंशिया हुआ क्या, क्योंकि अल्जाइमर्स डिमेंशिया होने का चांसेस बहुत है। 60 साल की उम्र की कोई लेडी मेरे पास में आती बोलती कि याददाश्त नहीं है तो चांसेस बहुत ज्यादा है। मैंने उसको जब पूछा डिटेल में तो मालूम पड़ा कि एक दो चीजें वो भूल गई। तो फिर उसने उसको खुद को आत्म सुझाव दिया कि मेरी है ना याददाश्त आजकल कम हो रही है, इसलिए मैं चीजें भूल गई। हुआ क्या कि वो बार बार ये अपने मन में दोहराने लगी कि आजकल मेरी याददाश्त जो है ना वो कम हो रही है, आजकल मेरी याददाश्त कम हो गई, मेरी उम्र भी वैसी बढ़ गई है, अभी मुझे याद रखना बहुत कठिन हो जाएगा दिन ब दिन। फिर उसने कोई और किसी को शेयर किया, उन्होंने भी बोला हाँ तुमको अभी उम्र बढ़ गई है तो ये उम्र का तकादा है और इसकी वजह से आपको याद नहीं रह रहा। और वो अपने आप को सूचना देने लगी, आत्म सुझाव देने लगी और फिर वहां से उसकी याददाश्त और कमजोर होने लगी। जब मेरे पास में आया मैंने उसको टेस्ट किया, मतलब टेस्ट जो है मेमोरी क्वेश्चन, उसमें तो आपके मेमोरी क्वेश्चन ठीक आ रहा है। मैंने बोला कि देखो आपने एक ऐसा किया है कि खुद ने खुद को आपने आत्म सुझाव दिया है, एक दो बार आपको चीजें भूल गई, आपने तुरंत आत्म सुझाव अपने आपको दे दिया, बार बार वो दोहराते गई कि मेरी याददाश्त कम होते जा रही है, याददाश्त कम होते जा रही है, याददाश्त कम होते जा रही, और वो सच्ची वैसा होने लगा। अभी आप सेल्फ हिप्नोसिस से अभी पूरा उल्टा करना चालू करो, जो आपने नेगेटिव सजेशंस, नेगेटिव आत्म सुझाव, नकारात्मक आत्म सुझाव जो आपने दिया है, अभी सकारात्मक आत्म सुझाव देना चालू करो। बोले कैसा, मतलब अभी आप लिख लो, आत्म सुझाव सम्मोहन की अवस्था में देने का है और वो सुझाव ऐसे कि मेरी याददाश्त दिन ब दिन सुधर रही है, जो भी काम मैं हाथ में लेती हूँ या जो भी पढ़ती हूँ तो मुझे पूरा याद आ रहा है और मैं याद रख सकती हूँ, हर चीज मुझे याद आती है और मैं याद रखती हूँ, हर पल हर जगह हमेशा मुझे चीज़ें याद रहती है, मुझे घटनाएं जो भी होती है वो स्पष्टता से याद रहेंगी, मैं जो करना चाहूँगी वो तुरंत मुझे याद आ जाएगा, मुझमें तेजी से सुधार आ रहा है, बहुत जल्दी ही मेरी याददाश्त अच्छी होने वाली है। ऐसी सूचनाएं मैंने उसको देने को कहा खुद को, मतलब रोज प्रैक्टिस करो कम से कम 4 बार ये आत्म सुझाव, यदि आप अपने आप को देंगी कि मेरी याददाश्त अच्छी हो रही है, सब चीज़ें मुझे स्पष्टता से याद आ रही है, जो भी मैं करना चाहूँगी वो मैं तुरंत मुझे याद आ जाएगा, हर जगह हर पल जो भी मुझे याद रखना है मैं याद रख सकूँगी, मुझे जो भी करना मैं चाहती हूँ वो मुझे सबका सब पूरा याद आता जाएगा, जो भी मैं काम करती हूँ उसमें मेरा पूरा मन रहेगा और कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, दिन ब दिन मैं अच्छी होते जा रही हूँ। ये सुझाव बार बार अपने आप को दो। उसने बार बार आत्म सुझाव देना चालू किया, कुछ दिन के बाद वो अच्छी हो गई। तो जैसे निगेटिव सूचनाएँ, नकारात्मक आत्म सुझाव अपने आप को आप देते हो और उससे जो प्रॉब्लम आ जाता है वो नकारात्मक आत्म सुझाव सबकॉन्शियस माइंड में जाके फिट बैठता है और वहाँ से फिर अपना बिहेवियर शुरू होता है। वही अब उल्टा किया, सकारात्मक आत्म सुझाव अपने आप को दिया और उसका जो बिहेवियर में उसका फर्क दिखने लगा। आप देखो आप अपने आप को कहाँ कहाँ नकारात्मक आत्म सुझाव दे रहे हैं, नोट डाउन करो कहाँ कहाँ मैं अपने आप से निगेटिव बातचीत कर रहा हूँ, वहीं रोको और खुद को सकारात्मक आत्म सुझाव देना चालू करो। 95% दिन में जो हम विचार करते हैं, 95% ऑफ द टाइम्स हमारे निगेटिव विचार आते रहते, नकारात्मक आत्म सुझाव देते रहते हैं। तुरंत अपने आप को पकड़ो, सकारात्मक आत्म सुझाव देना चालू करो, आप में एकदम बहुत ड्रामेटिकली बदल आ जाएगा, बहुत प्रभावी रूप से बहुत फायदा हो जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।